नमः संस्कृताय सर्वेषां छात्राणां स्वागतम् अभिनन्दनं च गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर नगरे। दसवीं कक्षा के अंदर हम पाठ पढ़ रहे थे लोक हितम करणीयम। इस पाठ की जो भूमिका थी, इस पाठ की भूमिका हमने पढ़ ली थी और मैंने ये भी कहा था हमारे संस्कृत जगत के अंदर कवियों के द्वारा जो संस्कृत के कवि हुए हैं उन कवियों ने गीत के माध्यम से भी बच्चों का रुझान है जो संस्कृत के प्रति किया है, अपने गीतों के माध्यम से अपने गीतों की लहर के माध्यम से बच्चों को अपनी ओर आकर्षण किया है। किसने? हमारे संस्कृत के गीतों ने। तो आधुनिक युग में भी खूब प्रकार से संस्कृत गीतों की रचना की जा रही है, प्राचीन काल में भी संस्कृत गीतों की खूब रचना हुई थी। इन सभी की मैं आपके सामने कल चर्चा मैंने की थी। आज मैंने ये भी कहा था कि इस जो गीत होते हैं गीत को हमेशा ही गीत के जो पद दे रखे हैं उन पदों को सामान्य रूप से अपन अर्थ करके उन गीतों का अर्थ करते हैं, लेकिन जो गीत होते हैं जो पद्य साहित्य होता है जब तक अपन उसमें रसगान नहीं करते हैं रसास्वादन नहीं होता है तब तक पद्य का कोई उद्देश्य नहीं होता है। तो मैं आपके सामने वैसे इसको गाने का प्रयास करूँगा जैसा भी है प्रयास है। चलो मैं शुरू कर रहा हूँ। ये जो गीत है आपका हिंदोल राग में लिखा गया है। मने सा सततम् स्मरणीयम् वचे सा सततम् वदनीयम् लोके हितम् मम करणीयम्। मने सा सततम् स्मरणीयम् वचे सा सततम् वदनीयम् लोके हितम् मम करणीयम्। ने भोग भवने रमणीयम् ने च सुख शयने शयनीयम् अहर्निशं जागरणीयम् लोके हितम् मम करणीयम्। ने जातु दुःखं गणनीयम् ने च निज सौख्यं मननीयम् कार्यक्षेत्रे त्वरणीयम् लोके हितम् मम करणीयम्। दुःखे सागरे तरणीयम् कष्ट पार्वते चरणीयम् विपति विपीने भ्रमणीयम् लोके हितम् मम करणीयम्। गहनारण्ये घनान्धकारे बन्धुजनाये स्थितः गहरे तत्र माया चञ्चरणीयम् लोके हितम् मम करणीयम् लोके हितम् मम करणीयम्। ये तो सामान्य गीत का राग लहे के रूप में मैंने गाया था इसको। अब इस गीत का जो भाव है इसका भाव क्या है, बच्चों के प्रति जो इसका संदेश होता है वो संदेश क्या है, उसकी भी मैं आपके सामने चर्चा करना चाहूँगा। कि मनसा सततम् स्मरणीयम् वचसा सततम् वदनीयम् लोक हितम् मम करणीयम्। देखो क्या कहा इसने, मनसा, मनसा का मतलब होता है मन से, सततम् मतलब निरंतर, स्मरणीयम् मतलब ये स्मरण करना चाहिए, मन से निरंतर यही स्मरण करना चाहिए, मन से हमेशा यही स्मरण करना चाहिए। और वचसा मतलब वाचा से, वाचा कहते हैं वाणी को, वाणी से। सततम् मतलब निरंतर हमेशा, वदनीयम् मतलब बोलना चाहिए, वाणी से हमेशा यही बोलना चाहिए। क्या बोलना चाहिए भाई, कि लोक हितम् मम करणीयम्, लोगों का हित करना, लोगों का भला करना, लोगों का कल्याण करना ही मेरा क्या है, कर्तव्य है, या फिर लोगों का कल्याण मेरे द्वारा किया जाना चाहिए लोगों का कल्याण मेरे द्वारा किया जाना चाहिए। अब श्लोक और दोबारा देखो आप क्या कहा इसने, हमेशा मन से यही स्मरण करना चाहिए, वाणी से हमेशा यही बोलना चाहिए कि लोगों का भला करना मेरा कर्तव्य है,
हमेशा अपनी मन में यही भावना हो, हमारे वाणी पर हमेशा यही वदन हो कि हमेशा मैं लोगों का कल्याण करूँ। तो मन से हमेशा यही स्मरण करना चाहिए, वाणी से हमेशा यही बोलना चाहिए क्या कि लोगों का भला करना मेरा कर्तव्य है। अगला श्लोक, ने भोग भवने रमणीयम ने च सुख शयने शयनीयम अहर निशम जागरणीयम लोक हितम मम करणीयम। कि ने मतलब नहीं, जो भोग भवन है, भोग भवन मतलब जो भोगशील भवन है, जो महल आदि है, वहाँ पर ज़्यादा रमण नहीं करना चाहिए। जहाँ पर जो भौतिक सामग्री के द्वारा संपूर्ण मनो की अपनी कामना अपन करते हैं, तो ऐसी जो भोगशील भौतिक जो पदार्थ आदि हैं, जो महल आदि हैं, वहाँ पर ज़्यादा रमण अपने को नहीं करना चाहिए। ने चे सुख सयने सयनियम, सुख सयन मतलब जहाँ पर सुख पूर्वक सोया जाए, ऐसी जगह पर सयन अपने को नहीं करना चाहिए। सुख सयन मतलब आसानी से जहाँ पर नींद आए, जैसे मृदु तल्प, अपने महाराणा प्रताप में पढ़ा था ना, मृदु तल्प ने, मृदु तल्प का पर मैं सयनम ने करिष्यामी, मृदु तल्प मतलब जो कोमल कोमल गद्दे होते हैं उन पर कभी सोना नहीं चाहिए। अहर निशम, अहर निशम का मतलब होता है रात दिन जागरणीयम, हमें जागृत रहना चाहिए, हमें जागरूक रहना चाहिए, हमें सावधान रहना चाहिए। क्यों क्यों भाई? क्योंकि लोगों का भला करना ही मेरा कर्तव्य है, लोगों का हित करना ही मेरा क्या है, कर्तव्य है। श्लोक का दोबारा देखो, भोगशील भवनों में कभी भी रमण नहीं करना चाहिए, सुखपूर्वक शयन किए जाने वाली जगहों पर शयन नहीं करना चाहिए, रात दिन हमेशा जागृत रहना चाहिए, क्योंकि लोगों का भला करना ही मेरा कर्तव्य है, हमेशा लोगों का भला मेरे द्वारा करना चाहिए। श्लोक आप सभी को समझ आया होगा। अगले श्लोक में बढ़ रहा हूँ मैं। अगला श्लोक है कि ने जा तु दुखम गणनीयम नेचे निज सौख्यम मननीयम कार्य क्षेत्रे त्वरणीयम लोक हितम मम करणीयम। ने जातु, नहीं जातु मतलब जो उत्पन्न होने वाला है, दुखम मतलब दुख को, गणनीयम मतलब गणना चाहिए, कभी भी जो कोई दुख होता है उन दुखों को कभी भी गिनना नहीं चाहिए, दुखों का गणना नहीं करनी चाहिए। जैसे जातु का मतलब उत्पन्न होने वाला है, कभी जैसे अपन कहते हैं कभी भी, ये इस अर्थ में भी अपन लेते हैं, तो कभी भी दुख को गिनना नहीं चाहिए। ने चे और न ही निज सौख्यम, निज सौख्यम मतलब स्वयं के जो सुख हैं उन सुखों का मनन भी नहीं करना चाहिए। हमारे जो सुख है, बार बार हम यही उनका यही नहीं करेंगे, मेरे पास ये है, मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास बंगला है, मेरे ये सुख है, मेरे पास ये है, तो हमारे जो सुख हैं उनको रहने दो आप, उनका हमको बार बार मनन भी नहीं करना चाहिए। कार्य क्षेत्र त्वरणीयम, और जो अपना कार्य क्षेत्र है, जहाँ पर अपन कार्य करते हैं, हमारा कार्य करने का जो स्थान है, वहाँ पर हम, हमारा जो भी कार्य होगा उस कार्य में हमको क्या करनी है, त्वरणीयम, त्वरणीयम मतलब तीव्रता करनी है, थोड़ी सी शीघ्रता करनी है, थोड़ा सा अपन को जल्दी करनी है। क्यों भाई? क्योंकि लोगों का भला करना ही मेरा क्या है, कर्तव्य है। श्लोक और दोबारा देखो, कभी दुखों को गिनना नहीं चाहिए, हमारे जीवन में दुख आते हैं उनको गिनना नहीं चाहिए, अपने स्वयं के जो सुख आदि हैं उन सुखों का बार बार मनन भी नहीं करना चाहिए, और अपने कार्य क्षेत्र में हमेशा थोड़ी सी शीघ्रता करनी चाहिए, क्योंकि लोगों का भला करना ही मेरा कर्तव्य है। श्लोक समझ आया होगा आपको। कभी भी दुखों को नहीं गिनना चाहिए, स्वयं के सुखों का बार बार मनन नहीं करना चाहिए, अपने काम करने वाले क्षेत्र में थोड़ी शीघ्रता करनी चाहिए, क्योंकि लोगों का भला करना मेरा कर्तव्य है, लोगों का भला मेरे द्वारा किया जाना चाहिए। अगले श्लोक में आप, अगला श्लोक है आपका कि दुख सागरे तरणीयम कष्ट पर्वते चरणीयम विपत्ति विपीने भ्रमणीयम लोक हितम मम करणीयम। दुख सागर है, दुख रूपी जो सागर है, दुखों का जो सागर है, मतलब कौन, ये संसार, इसमें अपने को क्या करना है, तरणीयम मतलब तैरना है, दुखों के सागर में अपने को क्या करना चाहिए, तैरना चाहिए। इस संसार के अंदर पृथ्वी पर दुख ही दुख है, लेकिन हमें इस दुखों का सामना करना आना चाहिए, दुखों को अपन को चीरते हुए आगे बढ़ना आना चाहिए, इसीलिए दुख रूपी सागर में हमें तैरना चाहिए। क
कष्ट पर्वते चरणीयम। और जो कष्टशील पर्वत है, जो कष्ट वाले क्या हैं पर्वत है, उन पर अपन को चरण करना चाहिए, विचरण करना चाहिए, उन पर ही हमको क्या करना चाहिए, रहना चाहिए, चढ़ना चाहिए उस पर। कष्ट पर्वत है, तो यहाँ पर कष्ट पर्वत का मतलब ये नहीं है कि आप पर्वतों पर चढ़ो, भाव ये है कि आपका जो मार्ग होगा, आपका जो रास्ता होगा, क्योंकि जब आप लोगों का भला करोगे तो आपके सामने ऐसे खूब आपके रास्ते होंगे जो आपको, आपके लिए दुखदायी होंगे, आपको पीड़ा पहुंचाने वाले होंगे, फिर भी आपको उन कष्ट वाले मार्ग पर आपको विचरण करना है। इसलिए लिखा कि कष्ट पर्वते चरणीयम, विपत्ति विपिन भ्रमणीयम। विपत्ति का मतलब होता है, विपत्ति है, संकट है, ऐसा क्या विपिन, विपिन का मतलब होता है जंगल, ऐसे जंगलों में भ्रमणीयम मतलब भ्रमण करना चाहिए। जो संकट है, जिसमें संकट है, जिसमें विपत्ति है, जिसमें बाधाएं हैं, ऐसे बाधाओं से युक्त जो वन हैं, जो जंगल हैं, उन जंगलों में क्या करना चाहिए, भ्रमण करना चाहिए। तो विपत्ति विपिन भ्रमणीयम, जो विपत्ति से युक्त, संकट से युक्त, बाधाओं से युक्त जो जंगल हैं, उन जंगलों में क्या करना है, घूमना चाहिए। क्यों भाई, क्योंकि लोगों का भला करना ही मेरा कर्तव्य है, लोगों का भला मेरे द्वारा किया जाना चाहिए। लोक हितम मम करणीयम, लोगों का हित करना मेरा क्या है, कर्तव्य है, या मेरे द्वारा करना चाहिए। अब देखो आप, विपत्ति विमिन भ्रमणीयम का अर्थ क्या समझा, जो बाधाएं वाला जो जंगल है उसमें भ्रमण करना चाहिए, घूमना चाहिए का मतलब क्या होता है, यहाँ पर ऐसे आपको जंगल में घूमना नहीं है। यहाँ का जो कवि का जो भाव है, इस संसार के अंदर दुखशील सागर के अंदर जब आप लोगों का भला करोगे तो यहाँ पर लोगों पर आप खूब सारे दुख का संकट देखोगे, लोगों पर खूब सारा संकट है, दुख है, बाधाएं हैं, तो आपको उन बाधाओं से युक्त लोगों के बीच में घूमना है, उनकी बाधाओं को दूर करना है। जब क्या होता है, जब व्यक्ति कोई दुखी होता है, तो दुखी व्यक्ति के जब कोई साथ खड़ा होता है तो उसका आधा दुख तो वैसे ही कम हो जाता है। तो कवि का भाव है, तो आप भी जो दुखी लोग हैं उन दुखी लोगों के साथ में खड़े हो, जिनके कारण क्या है, जो उन दुखों, जो दुख हैं उन दुखी लोगों के, वो आपके उनके साथ खड़े होने से समाप्त हो सकते हैं। इसलिए आप उनके साथ रहो, आप उनके साथ भ्रमण करो, उनके साथ घूमो। तो इसने क्या कहा, विपत्ति विपिने भ्रमणीयम, ऐसे विपत्ति युक्त जो जंगल हैं, जंगल का मतलब यहाँ से उन लोगों से लेना है, वहाँ पर आपको क्या करना चाहिए, भ्रमण करना चाहिए। श्लोक अर्थ दोबारा देखो, दुख रूपी सागर में तैरना चाहिए, कष्ट से युक्त पर्वतों पर विचरण करना चाहिए, संकट से युक्त जंगल में भ्रमण करना चाहिए, क्योंकि लोगों का भला करना ही मेरा कर्तव्य है। श्लोक आपको समझ आया होगा, आगे बढ़ूँ, चलो आगे बढ़ रहा हूँ। अगला श्लोक है कि गहना अरण्य घनांधकारे बंधु जना ये स्थिता घेरे तत्र मया संचरणीयम। क्यों, क्योंकि लोक हितम मम करणीयम। गहना अरण्य, गहन मतलब घना घोर, अरण्य मतलब जंगल, घना अंधकार, और जहाँ पर घोर अंधकार है, ऐसे घोर अंधकार वाले घने जंगल में बंधु जना मतलब अपने जो बंधु लोग हैं, अपने जो भाई लोग हैं, वो स्थिता मतलब गिर गए हैं, वहाँ पर स्थित हो गए हैं। किसमें, गहरे, गहरे का मतलब होता है जो गड्ढा होता है ना, गड्ढा, उस गड्ढे के अंदर क्या है, हमारे जो बंधु लोग हैं, वो बंधु लोग जिस गड्ढे में, जिस खाई में गिर गए हैं, हमको वहाँ पर क्या करना है, तत्र मया संचरणीयम, हमको वहाँ पर संचरण करना है, हमको वहाँ पर रहना चाहिए। क्यों, क्योंकि लोगों का भला करना ही मेरा कर्तव्य है। दोबारा देखो क्या कहा इसने, घोर अंधकार वाले घने जंगलों में, जहाँ पर किसी खाई में, किसी गड्ढे में हमारे बंधु लोग गिर गए हैं, तो हमको वहाँ पर रहना चाहिए, हमको वहाँ पर विचरण करना चाहिए, संचरण करना चाहिए। क्यों, क्योंकि लोगों का भला करना ही मेरा कर्तव्य है। दोबारा देखो, घोर अंधकार वाले घने जंगलों में, जहाँ खाई के अंदर मेरे भाई लोग स्थित हो गए हैं, गिर गए हैं, वहाँ पर मेरे द्वारा संचरण करना चाहिए, मेरे द्वारा वहाँ पर रहना चाहिए। क्यों, क्योंकि लोगों का भला करना ही मेरा कर्तव्य है, मेरे द्वारा लोगों का भला किया जाना चाहिए। श्लोक समझे आप, कि जहाँ घोर अंधकार हो, ऐसे घोर अंधकारों वाले घने जंगल की जो खाई है,
वहाँ पर हमारे बंधु लोग गिर गए हैं, तो हमको भी वहाँ पर रहना चाहिए, विचरण करना चाहिए, उनको दुखों से बाहर करना चाहिए, क्योंकि लोगों का भला मेरे द्वारा किया जाना चाहिए। अब यहाँ पर देखो भाव क्या है कवि का, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि घोर अंधकार है और कोई खाई है, उस खाई के अंदर बंधु लोग बैठे हैं, ऐसा नहीं है भाव। इस भाव यह है कवि का, यहाँ पर खाई का मतलब होता है दुखों में, हमारे जो दुख होते हैं उन दुखों के अंदर हमारे बंधु लोग हैं, उन दुखों में पड़ गए हैं, दुखों में गिर गए हैं, तो हमें भी जो दुख से युक्त हमारे जो भाई हैं, हमारे बंधुजन हैं, हमको भी उनके साथ में रह करके उनके दुखों को दूर करना है। ये यहाँ पर कवि का क्या है, भाव है। क्यों? क्योंकि जब आप ही उनका भला नहीं करोगे, आप ही उनका हित नहीं करोगे, तो हमेशा उनका इनकी उनकी जो ज़िंदगी है वो हमेशा उन अंधकार में ही हो जाती है, तमोमय हमेशा उनकी ज़िंदगी होती है। इसीलिए हमको उनकी ज़िंदगी को उभारना है, हमको उनका थोड़ा सा हित करना है, अपने से जितना होता है उन लोगों का कल्याण करना है, क्योंकि ये मेरा क्या है, यही लोगों का भला करना ही मेरा कर्तव्य है। देखो ये संचरणीयम, कर्तव्य करणीयम है ना, इन सब में अनियर प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? अनियर प्रत्यय। और अनियर प्रत्यय होता है वो चाहिए के अर्थ में होता है, करना चाहिए, संचरण करना चाहिए, संचरणी करना चाहिए, है ना। तो तरणीयम मतलब तैरना चाहिए, तो ये अनियर प्रत्यय चाहिए अर्थ में होता है। किस अर्थ में होता है? चाहिए अर्थ में। आगे इस पाठ के जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों को अपन अगली क्लास में करेंगे। धन्यवाद।